बॉलीवुड इंडस्ट्री में रिश्ते बनना और बिगड़ना आम बात है। एक्टर्स का किसी फिल्म के सेट पर मिलना और प्यार हो जाना भी आम बात है। लेकिन अगर कुछ खास है तो वो है इन रिश्तों को निभाना, जिसमें अक्सर एक्टर्स की वेवलेंथ मैच नहीं होती, कंपेटिबिलिटी इश्यूज निकल आते हैं। यहाँ तक कई बार जो रिश्ते सेट पर बने वही खत्म भी होते हमने देखे हैं। लेकिन एक कपल है हु इज गोइंग स्ट्रॉन्ग टिल डेट। वेल, दैट्स नन अदर देन रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा। बॉलीवुड के सबसे क्यूट कपल्स में से एक रितेश और जेनेलिया। वेल, इस प्यारे से जोड़े के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप नहीं जानते होंगे, तो इसलिए चलिए आज आपको बताते हैं इस मेड फॉर ईच अदर पेयर रितेश एंड जेनेलिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तुझे मेरी कसम रितेश एंड जेनेलिया की पहली फिल्म थी और यहीं से इनके रिश्ते की भी शुरुआत हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में रितेश ने कहा कि जब हम इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब जेनेलिया टीनेज में थी और मैं 20s में। हम दोनों साथ बड़े हुए, मैच्योर हुए, यही हमारी मजबूती है। किसी फिल्मी लव स्टोरी से कम नहीं है इनकी लव स्टोरी भी। सिंपल और क्यूट सी जेनेलिया काफी समय तक रितेश को ये सोचकर इग्नोर करती रही कि ये सीएम विलास राव का बेटा है तो पॉलिटिशियन के बेटों जैसा ही होगा। लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि रितेश कितने फन लविंग और केयरिंग है। जेनेलिया एंड रितेश टोटली ऑपोजिट पर्सनालिटी है, उनके रिलीजन से लेके फैमिली बैकग्राउंड तक। जी हाँ, रितेश बिलोंग्स टू महाराष्ट्रियन फैमिली, वही जेनेलिया है क्रिश्चियन। जहाँ रितेश है पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, वही जेनेलिया एक बहुत ही साधारण नॉट एट ऑल कीन टू बी इन लाइमलाइट टाइप्स फैमिली से बिलोंग करती है। बट इस प्यारे से कपल को देख कर ऑपोजिट अट्रैक्ट्स वाली बात सच लगती है ना? वेलकम ही लोगों को पता है कि रितेश प्रोफेशनल आर्किटेक्ट भी है और वो जेनेलिया से आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करते थे और वही जेनेलिया उन्हें अपने कॉलेज के लेक्चर के बारे में बताया करती थी। Isn't that super cute? एक इंटरव्यू में जेनेलिया ने खुलासा किया था कि रितेश एंड जेनेलिया उन कपल्स में से नहीं है जो टॉप टू हील रोमांटिक हो, बट हाँ, ये कपल हर पल को सेलिब्रेट करने में विश्वास रखते हैं। जेनेलिया की मेमोरी बहुत शार्प है और उन्हें हर चीज याद रहती है, एंड दैट टू विद डेट, डे एंड टाइम। बट रितेश को ये बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि उनका मानना है कि वक्त के साथ इंसान कुछ तो भूलता है, बट जेनेलिया कुछ भी नहीं भूलती। इनफैक्ट जेनेलिया को रितेश के साथ की हुई फिल्म तुझे मेरी कसम के शेड्यूल डेट्स भी अब तक याद है, फ्रॉम शूटिंग टू रैप अप ऑफ द फिल्म। वेल, ये फैक्ट काफी मजेदार है। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन रितेश और जेनेलिया की वेडिंग के जस्ट दूसरे दिन रितेश हनीमून के लिए नहीं बल्कि क्रिकेट मैच के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। जी हाँ, खुद रितेश ने इस बात का खुलासा एक टीवी शो में किया था कि उनकी CCL टीम की अगले दिन मैच थी, एंड यस, द कपल इंस्टेड ऑफ हनीमून वेंट टू प्ले एट टूर्नामेंट। वर्क कमिटमेंट, यू सी। जेनेलिया जब भी रितेश और फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती थी वो कुछ ऑर्डर नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब वो खुद अफोर्ड कर सकेंगी तभी कोई महंगी डिश ऑर्डर करेंगी। वेल, रितेश को इस बात का पता शादी के काफी साल बाद लगा जब जेनेलिया ने बताया, नहीं तो वो सोचते थे कि जेनेलिया वॉज ऑन डाइट। बट जेनेलिया की इस क्वालिटी से पता चलता है वो काफी खुददार है। हर सेलिब्रिटी इंटरकास्ट मैरिज की तरह रितेश एंड जेनेलिया ने भी दो रीति रिवाज के अकॉर्डिंग शादी की, एक महाराष्ट्रीयन तरीके से और दूसरी बार चर्च में क्रिश्चियन रिचुअल्स फॉलो करते हुए। रितेश का एक रूल है कि उनसे जेनेलिया दिन में सिर्फ 10 सवाल कर सकती हैं। नॉट ओनली जेनेलिया बट उनके दोनों बच्चों रियान और रॉयल पर भी ये रूल लागू होता है। बट किड्स विल बी किड्स, वो कहाँ ऐसे रूल्स को मानने वाले। वेल, रितेश और जेनेलिया की केमिस्ट्री दोनों की डेब्यू फिल्म तुझे मेरी कसम और उसके बाद तेरे नाल लव हो गया में लोगों को काफी पसंद आई थी। और जब जेनेलिया से पूछा गया कि अगर कोई डायरेक्टर उन्हें साथ में कास्ट करना चाहे तो उन्होंने कहा, इट हैज टू बी स्पेशल एंड अ गुड स्क्रिप्ट इज मस्ट।
जहां बाकी सेलेब्स का सारा काम ठप पड़ा था और चिंता सता रही थी कि कब काम रिज्यूम होगा, वहीं जिनेलिया एंड रितेश वर एट पीस, क्योंकि दोनों को फैमिली टाइम स्पेंड करने मिला। साथ ही दोनों बच्चे रियान और रायल वर हैप्पी टू सी रितेश अराउंड देम। रितेश जिनेलिया को प्यार से बाई को बुलाते हैं, विच मीन्स वाइफ इन मराठी, और दोनों बच्चे जिनेलिया को आई बुलाते हैं और रितेश को बाबा। ट्रू टू कल्चर, दोनों अपने बच्चों को ट्रेडिशन और एथिक्स के लेसन देते रहते हैं। आपको बता दें, फिल्म एक विलन में रितेश को एज विलन पोर्ट्रे किया गया था और उन्हें इस रोल के लिए कई अवार्ड भी मिले। रितेश ने इससे जुड़ी एक बात का खुलासा किया था कि इस रोल को हाँ कहने के पीछे जिनेलिया का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने ही स्क्रिप्ट पढ़ी थी और रितेश से कहा था कि रोल अच्छा है और बताया था कि इट विल बी अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू प्ले विलन। एंड रितेश ने जिनेलिया की बात मानकर फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन विलन का रोल प्ले किया। रितेश का सीक्रेट फॉर हैप्पी मैरिज इज टाइमली कॉन्वर्सेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। उनका मानना है कि रिलेशनशिप दो लोगों के बीच होता है और उसे आगे ले जाने में दो लोगों का इक्वल साथ बहुत जरूरी है, विच इज वेरी ट्रू एंड वेल सेड। वेल, सच तो ये है कि बड़ी बड़ी चीजों से केयर और प्यार जैसी छोटी छोटी चीजें ज्यादा रियलिस्टिक और रिलेशनशिप को मजबूती देने वाली होती है, और रितेश एंड जिनेलिया इस बात को अच्छे से समझते हैं। दोनों को रियल, सिंपल और डाउन टू अर्थ रहना पसंद है। Meanwhile, here we come to an end of our special report. और आप शेयर करिए अपना रिएक्शन रितेश और जिनेलिया से जुड़े इन स्पेशल फैक्ट्स पर। ऑल्सो अपने पसंदीदा कलाकारों और सितारों से जुड़ी हर जानकारी और अपडेट पाने के लिए बने रहे बॉलीवुड नाउ के साथ।